कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के पास पुष्ता ढहने और क्षतिग्रस्त लंढौर बाजार को जाने वाले मुख्य मार्ग का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मौजूद अधिकारियों को जल्द कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही पुष्ता गिरने से हुई क्षति की पूर्ति के लिए संबंधित व्यक्ति को मुआवजा उपलब्ध कराने की बात कही। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कि क्योंकि ये मुख्य मार्ग है और जो मैंने इसकी स्थिति दी है इसका, क्योंकि 63 फीट नीचे से इसको ऊपर लेकर आ रहे हैं और कुछ यहाँ पर मटेरियल लाने की भी दिक्कत है। मैंने अभी SDM को और कुछ घोषित किया है कि मटेरियल लाने में भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आज एक महीने से अधिक हो गया है। जिस गति से काम होना चाहिए था काम नहीं हो पा रहा है। जब मैंने अधिकारी से उन्होंने बताई उसके बिना निश्चित इसी प्रकार एक राइट पुष्टि का उसका मैक्सिम लॉज के बाद एक पुष्पा गिरने से वहाँ के वहाँ पर जो बिजली का ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ था उसको भी क्षति हुई है और भी नुकसान हुआ है। और क्योंकि पूर्व में भी उस व्यक्ति के द्वारा जब वहाँ पर पेड़ गिरा था कई टैक्सी वालों का नुकसान वहाँ पर हुआ था, उसकी क्षतिपूर्ति हमने उससे ही करवाई थी। आज मैंने साहब को निश्चित किया है कि क्षति का आकलन करके उस व्यक्ति से की पूर्ति कराई जाए और लगातार हमारे अधिकारी हमारे निगम के कर्मचारी इस काम में लगे हैं कि देखिए आपदा को हम रोक नहीं सकते, लेकिन आपदा के बाद जनता को राहत देना हमारी जिम्मेदारी है और हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से।